नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। फिरोजाबाद में नगर निकाय चुनाव की हलचल तेज होती नजर आ रही है। इसी कड़ी में नगर पंचायत मक्खनपुर क्षेत्र के सपा प्रत्याशी डॉक्टर एस के अरुण ने आज मक्खनपुर में अपना जनसंपर्क किया। कार्यकर्ताओं ने फूलमालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। इसी अवसर पर क्षेत्र की जनता से सपा के पक्ष में मतदान की अपील की है। सपा नेता दिन रात जनसंपर्क में जुटे हुए हैं और लोगों को होने वाली समस्याओं से निस्तारण का आश्वासन। उन्होंने कहा है कि मुझे जनता का भारी सहयोग मिल रहा है। उन्होंने क्षेत्रीय मतदाताओं से सपा के पक्ष में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। आपकी समाचार है, मैं हूँ सर्वेश कुमार। आज हम फिरोजाबाद के मक्खनपुर का नगर पंचायत में डॉक्टर एस के अरुण साहब बातचीत कर रहे हैं। सर, आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसंपर्क में आपको कैसा सहयोग मिल रहा है? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से समाज में जो प्रॉब्लम है, जो इच्छित विकास हो रहा है, उसको जन जन तक पहुँचाना और गाँव कंट्रोल करना, ये मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए सबसे पहले चैनल का धन्यवाद करता हूँ। और मैं डॉक्टर एस के अरुण समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी हूँ। मकान सर, आप जनसंपर्क करना चाहते हैं तो सब आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा हूँ जी? जब मैं दूर दूर जनसंपर्क करने जाता हूँ तो अक्सर कर जो यहाँ की जनता है वहाँ को अक्सर कर समस्याएं आती है। जैसे बहुत दुनिया पानी नहीं आता है, लाइट की समस्या है, नालियों की ठीक से सफाई नहीं होती है, या बच्चों की शिक्षा से संबंधित लाइट गलियों में अंधेरा पड़ा रहता है, या गलियाँ टूटी फूटी हैं, पानी का निकास सही नहीं है। इस सब चीज़ों की समस्या मेरे सामने आती है। तो मैं लोगों को आश्वासन देता हूँ कि आप जीतने के बाद पूरी तरह से जनता के समर्पित रहूँगा और पूरी तरह से विकास में योगदान करूँगा। सर, यदि आप सब जीते आते हैं तो सबसे पहले क्या विकास कार्य करेंगे? सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि ये जरा तो थोड़ा बहुत पानी बारिश की तुलना में होता है तो मक्खनपुर में बिल्कुल तालाब जैसा पानी भर जाता है जिसका सही निकास नहीं है। जो पानी घरों में घुसने लगता है, लोग घोटों घोटों तक पानी में घुस के निकलते हैं और गंदगी घरों में जाती है। उस पानी का निकास के लिए कोई बड़ा नाला का निर्माण करवा के किसी नदी में प्रवाहित किया जाएगा। और साथ में जो बिजली के खंभे घरों से बहुत दूर है, बहुत दूर से लोग लाइट के तार डाल रखे हैं जो आए दिन टूटते हैं और घटनाएं घटती रहती हैं, इस पर कंट्रोल करके विद्युतीकरण के हिसाब से खंभों को घर के नज़दीक लगवाया जाएगा। और बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, ये इन सब चीज़ों पर पूरी तरह तन्मयता से विकास कराया जाएगा। हमने सब सुना है आपकी वाइफ है, बहुत बच्चों को रोजगार दे रही हैं, सिलाई मशीन तरीके उनके बारे में आपका जी? जी, किसी भी आदमी, जब किसी आदमी को कोई उन्नति होती, तरक्की होती है तो उसमें पत्नी का बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा हाथ होता है। मेरी पत्नी मेरे कदमों से कदमों मिला के चल रही है, मेरे कंधे से कंधे मिला के चल रही है। वो भी दिन में धूप को ना देखते हुए उनकी काशी हर तरह से दौड़ते हुए घर घर डोर टू डोर जाकर संपर्क कर रही है और लोगों से वोट मांग रही है। उनका जो लोगों का नजरिया बहुत अच्छा है, सभी लोग उनको बहुत लाइक करते हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। और वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर सिखवाती, बच्चों को सिलाई भी सिखाती है और गरीब महिलाओं की हर तरह से मदद करती है। व्यक्ति चाहिए और ऐसा ही अध्यक्ष होना चाहिए तो चेयरमैन के लिए जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी बनाते हैं वो ऐसे ही हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो समाज सेवा करते, 15-20 सालों से समाज सेवा भी जनता का पूरा मन है। और ये निश्चित है कि समाजवादी पार्टी सबसे पहले फिरोजाबादी जनता मक्खनपुर से चुनाव जीते हैं। समाजवादी आपके बच्चे में भी मेरी पार्टी खड़ी हुई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लोग सब पहचान चुके हैं, बीजेपी पार्टी उत्तर पार्टी और ये कहती कुछ है करती कुछ है। लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ मक्खनपुर में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के ही अंदर कहाँ 350 रुपये का सिलेंडर आता था, आज जो 1200 रुपये का है। पेट्रोल जहाँ 65 रुपये लीटर थी आज तो 100 को पार चली गई। लोग बहुत पीड़ित हैं, अनाज जब चुनाव आता है तो अनाज देना शुरू कर देते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो अनाज देना भी बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति में जनता का पूरा मन है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। और भी लोग हमारे स्रोत साथ जुड़े हुए, उनसे पूछें।
मैं श्रीनिवास प्रजापति मक्खनपुर में रहता हूँ स्टेशन रोड पर। और जिस दिन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की समाजवादी पार्टी के द्वारा घोषणा हुई है उसी दिन से मक्खनपुर की जनता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर के अरुण जी के साथ में गठबंधन में पूर्ण रूप से तैयार है। और आने वाले 4 तारीख को साइकिल के चुनाव चिन्ह को इतना दबाएगी फिरोजाबाद जिले में मक्खनपुर की सीट सबसे नंबर पर कराएगी। ऐसा ही डॉक्टर साहब ने बताया। सबसे पहले प्रकाश कार लगाएंगे कैमरा विकास के साथ संजय कुमार पसंदीदा रिपोर्ट। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।